सभी ने बचपन में यातायात के नियम पढ़े और सीखे होंगे। हमें सिखाया जाता है कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए। इसके लिए नियम भी बनाए हुए हैं जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा कि रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है जो कि पैदल चलने वालों के लिए सुविधा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जेब्रा क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों कहा जाता है? नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं और उसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग किसने रखा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर बनी हुई सफेद और काली पट्टी होती है। यूनाइटेड किंगडम में जेब्रा क्रॉसिंग के पास बेलिसा बेकन्स होते थे। बेलिसा बेकन्स एक तरह के लैंप पोस्ट होते हैं जिनमें एक सफेद और एक काले रंग के खंभे पर संतरी रंग का गोला होता है। इसका नाम यूके के यातायात मंत्री लेस्ली होरा बेलिसा के नाम पर पड़ा। सन 1948 में ब्रिटिश एमपी जेम्स कैलिगन ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी के दौरे पर गए थे जहां पर पैदल चलने वालों के लिए रोड पार करने के लिए सुरक्षित तरीके सुझाए जा रहे थे। जब उन्हें काली और सफेद धारियों वाला यह डिजाइन दिखाया गया तो उन्होंने इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग रख दिया। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने के लिए एक हाथ से चलने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन्स सड़क की बाकी लाइनों से ज़्यादा चौड़ी होती है। न्यूजीलैंड, जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल वाहक का पैदल चलने वाले व्यक्ति को रास्ता देना जरूरी है। यदि कोई ऐसा ना करे तो उसका चालान काटा जाता है। और शोध के दौरान ये पता चला है कि 5 में से 4 लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं और उनमें से केवल एक ही व्यक्ति गाड़ी रोकता है या फिर कम करता है। तो दोस्तों इसीलिए जेब्रा क्रॉसिंग लगाया गया है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा क्रॉसिंग क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ।